हमारे राजस्थान के कई इलाके रेगिस्तान व सूखे क्षेत्र में हैं। यहाँ पर वर्षों से पानी व बारिश की कमी रही है। पिछले कुछ सालों से प्रदूषण व जंगल की कटाई के चलते हमारे पर्यावरण पर भी भीषण असर पड़ा है। इस सब का प्रभाव सबसे ज़्यादा ऐसे समुदाय पर पड़ा है जिनकी आजीविका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान पर्यावरण पर निर्भर है। जब मैं बालपना में था, कम से कम 60 साल पहली बार, 60 साल पहली इतनी बारिश आती, मतलब जून का पहला हफ्ता में बारिश हो जाती। जब बारिश हुए वो काशकार मैंने टाइम पर फसल बो देता, वह फसल की पैदावार ज़्यादा हुई थी। आने साल बारिश कम हुआ, टाइम पर बारिश नहीं आवा, फसल में नुकसान भी किया, टाइम पर फसल ही बोई भी नहीं। एक बीघा मुँह कम कम हाथ 8 बोरी 10 बोरी मक्का निकलता, आज 2 बोरी मक्का एक बीघा मुँह नहीं निकलता। मार्बल सेलरी है, पहले मार्बल नहीं था। मार्बल का जहाँ मिट्टी डलती है ना, वहाँ पेड़ पौधे कुछ नहीं उगता। अब बंगाल की खाड़ी रो जो पानी आवे, कटे तो बरसे, कटे बरसे ही नहीं, कटे फसल गल जात, कटे हुकी जात। असर तो मारे तो यो पड़ी रो के बरोबर परिवर्तन, हवा जो परिवर्तन हुए तो मणि आधारू मनक में बीमारी है, फसल ले लिए बीमारी है। अब टेम टेम बरसात वेरी मान ली थी, टेम वेरी है, बे टेम वेरी है, पर मजदूरी जयरा हक तो टाइम पे मजदूरी वे नहीं रही। अब ये मजदूरी करें उसमें हमारा गुजारा नहीं चलता, फिर भी हम मतलब चला रहे हैं गाड़ी चला रहे। अगर मजदूरी नहीं हमें बराबर नहीं मिलती है तो हम कहाँ से लाएंगे? बच्चे को भी पढ़ाने भेज रहे, सोच रहे कि हमको बच्चा हम भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो भी खर्चा हम नहीं कर पाते। सरकार तो भाई कई है, सरकार आदमी तो हमारे हाल कई नजर कोई आयो का भाई सरकार यो परिवर्तन वही है तो आनी जो यो उपयोग है यो नहीं है तो यो तो कई सामने नजर नहीं आयो सरकार आदमी। अगर जलवायु परिवर्तन पर सरकार ने जल्दी ही ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए सरकार को अपने कार्यक्रमों में इसको प्राथमिकता से लेना होगा। मैं शंभू राज तवर देलवड़ा से इंडिया अनहर्ड के लिए।